फिर उस बर्फ में उस बर्फ का प्रयोग नमक डाल उस बर्फ में नमक डालकर तरल पदार्थ में रखा जाता था और वो आइसक्रीम बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल काल में आइसक्रीम को किस नाम से जाना जाता था? कुल्फी के नाम से। किस नाम से? कुल्फी के नाम से। और यह कैसे बनाई जाती है? तो कुल्फी कैसे बनाई जाती है, आपने लास्ट में पढ़ा होगा कि उबलते हुए दूध में केसर पिस्ता आदि मिलाकर उसे सांचों में डाला जाता था। ठीक है, और वो कुल्फी तैयार हो जाती थी। आगे समझ में। नेक्स्ट है, गलादर्स, गलादर्स कौन था? उसे फांसी की सजा क्यों हुई? गलादर्स आइसक्रीम बनाने का एक फ्रांसीसी कारीगर था, आइसक्रीम का फ्रांसीसी कारीगर था। उसको सजा क्यों दी गई? क्योंकि सम्राट ने उसे इस शर्त पे रखा था कि वह किसी और के लिए आइसक्रीम नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे ईर्ष्यावश उस गलादर्स की शिकायत सम्राट से कर दी कि यह और लोगों के लिए भी आइसक्रीम बनाता है। तो सम्राट ने गुस्सा होकर गलादर्स को फांसी की सजा दे दी। आगे समझ में। सर्वप्रथम प्रतिमा किसने और कैसे बनाई, ये इधर इस चैप्टर में देखना। सर्वप्रथम कृत्रिम बर्फ 1834 में जैकब वाटकिंस ने बनाई। किसने बनाई? जैकब वाटकिंस ने। कब बनाई? 1834 में। कैसे बनाई? ईथर का प्रयोग करके। काय का प्रयोग करके बेटा? ईथर का। तो ईथर का प्रयोग किया, यानी जिससे जो ईथर है उसको पानी में डाल देता, पानी जिससे वो उसकी पूरी गर्मी सोख लेती और बाद में धीरे धीरे ठंडा होकर बर्फ के रूप में बदल जाता। तो लिखित प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे, तो आज ही चारों लिखित प्रश्न आपको होमवर्क।